एक्सप्लेन करूंगी एलियन बॉय और ह्यूमन गर्ल की लव स्टोरी का पार्ट 6। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 की शुरुआत पास्ट सीन से होती है, पर इसमें हम क्वान और शियान के बचपन की स्टोरी देखते हैं। वो दोनों ऑर्फनेज में रहते थे, वहाँ उन्हें बहुत मारा पीटा जाता था। खाने के टाइम क्वान अपना सारा मीट शियान को दे दिया करता था क्योंकि उसे बहुत पसंद था, और शियान से कहता, मैं मीट नहीं खाता क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। क्वान झूठ शियान के लिए बोलता, और क्वान ने एक दिन ये बात शाओजू को भी बताई थी। एक दिन उस ऑर्फनेज में हेलन आया और उसने क्वान और शियान को फ्री करा दिया वहाँ से। तभी से वो उसके साथ लग गए, हर जगह उसकी हेल्प करने लगे। अब चलते हैं प्रेजेंट में। गुआन पी शाओजू के पास जाती है और उसे बताती है, मैंने रिजाइन कर दिया, अब मैं जियालिन के साथ अमेरिका जाना चाहती हूँ। शाओजू कहती है, पर मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ अमेरिका जाना नहीं चाहता। पर अगर तुम अमेरिका चली गई तो हेलन का क्या होगा? गुआन पी कहती है, अब शायद वो मुझे देखना भी नहीं चाहेगा। शाओजू पूछती है, क्यों? तो वो उसे सारी बात बताती है। शाओजू कहती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम उससे केमिकल लेकर मिलने गई। वो चाहता तो तुम्हें हर्ट कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। गुआन पी को अपनी गलती समझ आती है। देन नेक्स्ट सीन क्वान और शियान पर शिफ्ट होता है। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। शियान क्वान से गुस्सा है क्योंकि वो अकेला जाकर शाओजू की शॉप पर डिनर कराया, जबकि वो उसके साथ खाने के लिए घर पर सैंडविच लेकर आया था। शाओजू उन दोनों को वीचैट ग्रुप पर ऐड करती है और उनसे मूवी देखने चलने की पूछती है। वो दोनों हाँ कह देते हैं। देन गुआन पी हेलन से माफी मांगने आती है और वो उसके खाने के लिए फ्लावर्स भी लेकर आती है। हेलन उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। गुआन पी उससे कहती है, अब मैं तुम्हारी बात पर बिलीव करने लगी हूँ, पर तुम अपने बारे में मुझसे झूठ भी तो बोल सकते थे ना, पर तुमने मुझे सच क्यों बताया? वो कहता है, क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि इस लाइफ में मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। गुआन पी कहती है, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही, पर फिर भी अब तुम पर बिलीव है। मेरा एक और क्वेश्चन है, तुमने ऑक्शन वाले दिन मुझे क्यों बुलाया था? क्या मैं स्पेशल हूँ? वो कहता है, मेरे दिल में तुम सबसे स्पेशल हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ भी रिस्क में डाल सकता हूँ। गुआन पी खुश होती है और उसे उसके घाव के बारे में पूछती है। वो कहता है, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया मेडिसिन लगाने की। वो कहती है, मैं लगा देती हूँ। बैंडेज लगाने के बाद गुआन पी पूछती है, तुमने कहा कि फॉक्सेस ह्यूमन लिवर भी खाते हैं, तो क्या क्वान और शियान भी खाते हैं? हेलन कहता है, हमारे साउथ फॉक्स क्लैन में ह्यूमन लिवर नहीं खाया जाता। गुआन पी पूछती है, क्या कभी तुमने खाया है? वो कहता है, बहुत पहले एक बार मुझे जबरदस्ती ह्यूमन लिवर खिलाया गया था। देन गुआन पी वहां से चली जाती है। क्वान और शियान शाओजू के साथ मूवी देखने जाते हैं, पर वो दोनों सारा टाइम लड़ते ही रहते हैं। मूवी के बाद वो सभी लंच पर जाने की सोचते हैं। शाओजू गुआन पी को कॉल करती है और रेस्टोरेंट में आने को कहती है। शाओजू जब उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो वो वहां तियान शिन और जियालिन को देखती है। वो उन्हें देखकर शॉक हो जाती है और तुरंत गुआन पी को कॉल करती है और उससे उस रेस्टोरेंट में आने से मना करती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गुआन पी वहां पहुंच जाती है और उन दोनों को साथ में देख लेती है। गुआन पी उनके पास जाती है और उसे देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। गुआन पी पूछती है, ये सब कब से चल रहा है? जियालिन कहता है, मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, हमारे बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे अलग तियानशिन की वजह से हो रहा हूँ। गुआन पी कहती है, इतना कहने की जरूरत नहीं है, बस अब तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो। जियालिन से ब्रेकअप के बाद गुआन पी रोते हुए वहां से चली जाती है और क्लब में जाकर बहुत ड्रिंक करती है। जब वो ड्रंक हो जाती है तो एक लड़का उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वो हिडन फॉक्स वाले अंकल उस लड़के को गुआन पी को ले जाते देख लेते हैं, तो इस बात की इन्फॉर्मेशन वो तुरंत क्वान को देते हैं। क्वान और शियान शाओजू को साथ में लेकर जल्दी से गुआन पी को ढूंढने के लिए निकलते हैं, और गुआन पी के किडनैप होने की बात वो हेलन को भी बताते हैं। गुआन पी को होश आता है और वो उस जगह से भागने की कोशिश करती है, पर वो लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसके कपड़े भी फाड़ देता है, पर सही टाइम पर हेलन वहां पहुंचकर गुआन पी को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद क्वान और शियान भी वहां पहुंचते हैं। वांग छुपकर उन सबकी फोटो क्लिक कर लेती है। हेलन गुआन पी को अपने घर लेकर आता है और उसका ध्यान रखता है और सारी रात उसके पास ही बैठा रहता है। इसके बाद फ्लैशबैक में बताया जाता है कि बहुत पहले हेलन के डैड ने उसे मेडिसिन दी थी, जिस वजह से वो रात को देखने लगा। जब वो देखने लगता है तो वो अपने डैड से हुयान के बारे में पूछता है। उसके डैड गुस्से में उससे कहते हैं, वो लड़की तुम्हारे लिए सिर्फ एक मेडिसिन थी, उसके बारे में बात नहीं करो, और अब किसी भी ह्यूमन लड़की से प्यार नहीं करना।
हेलेन को समझ आता है कि जो मेडिसिन उसे दी गई थी वो हुयान का लीवर था। वो जल्दी से भागकर हुयान के पास जाता है। हुयान खुश होती है कि अब हेलेन देख सकता है। वो मर जाती है। प्रेजेंट में ग्वानपी जागती है। वो हेलेन को अपने पास बैठा हुआ देखती है तो उससे पूछती है, मैंने क्या गलत किया है जो मेरा बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया। हेलेन कहता है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, ना ही उन दोनों ने किया है, बस सब कुछ हमारे मन का नहीं होता। फिर ग्वानपी पूछती है, क्या तुम मुझे खा जाओगे। हेलेन कहता है, हाँ पर अभी नहीं। वो पूछती है, तो कब। हेलेन कहता है, जब तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। ग्वानपी कहती है, तो मुझे डर है क्योंकि वो दिन कभी नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता कि अब मैं दोबारा किसी से प्यार कर पाऊंगी। फिर ग्वानपी वापस अपने घर जाती है। रास्ते में उसे किसी होटल से कॉल आता है जहां उसने वैलेंटाइन डे के लिए बुकिंग की थी जियालिन के साथ जाने के लिए। ग्वानपी वो बुकिंग कैंसिल करने को कहती है, पर होटल स्टाफ कहता है कि अगर आपने ये बुकिंग कैंसिल की तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा क्योंकि आप स्पेशल डे की बुकिंग कैंसिल कर रही हो। तो ग्वानपी बुकिंग कैंसिल नहीं करती। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं जो कि बुरी तरह से हेलेन और उसके ग्रुप के पीछे पड़ गई है उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। एक बार तो जाओ का पीछा करती है और उससे टकरा भी जाती है, पर जाओ समझ नहीं पाता कि वो उसे ही फॉलो कर रही है। ग्वानपी दुखी थी और अपने घर पर थी। तभी वो सोचती है कि भले ही जियालिन अब उससे प्यार नहीं करता और तियानशिन ने उसका बॉयफ्रेंड छीन लिया, पर फिर भी वो लोग उसके लिए स्पेशल है क्योंकि हाई स्कूल में जब कोई उसका फ्रेंड नहीं था तो सिर्फ जियालिन और तियानशिन ही उसके फ्रेंड्स थे और उन्होंने उसकी बहुत हेल्प भी की है। तो अपनी फ्रेंडशिप के बारे में सोचकर ग्वानपी तियानशिन और जियालिन से मिलने एयरपोर्ट जाती है, पर वो उनसे मिल नहीं पाती। लास्ट नाइट से ग्वानपी ने जियालिन के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया था। उसे उसकी बहुत टेंशन हो रही थी तो ग्वानपी रिप्लाई करती है, सेफ जर्नी। मैसेज देखकर जियालिन खुश होता है। एयरपोर्ट के बाद ग्वानपी हेलेन के घर जाती है और उससे साथ चलने की कहती है। वो पूछता भी नहीं है कि हमें कहाँ जाना है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। ग्वानपी कहती है, क्या तुम जानना नहीं चाहते हम कहाँ जा रहे हैं। हेलेन कहता है, जहाँ तुम जाओगी मैं जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ग्वानपी हेलेन को लेकर बहुत बड़े क्लोथिंग स्टोर पर जाती है और अपने लिए एक एक्सपेंसिव ड्रेस लेती है। इसके बाद वो मेकअप के लिए सलून जाती है। तैयार होते होते ग्वानपी को शाम हो जाती है और शाम होते ही हेलेन को दिखाई देने लगता है। जब ग्वानपी उसके पास आती है तो हेलेन उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ की बुकिंग ग्वानपी ने कैंसिल नहीं की थी। ग्वानपी अकेली खा रही थी तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो हेलेन उसकी खुशी के लिए उसे कंपनी देता है। ह्यूमन फूड वो खा नहीं सकता, इसलिए ग्वानपी के साथ खाकर वो वॉशरूम जाकर वॉमिट करता है। जब वो वापस जा रहे थे तो ग्वानपी हेलेन को बताती है कि आज वैलेंटाइन डे है, तो हेलेन उसे फ्लावर्स देता है। देन ग्वानपी पूछती है, क्या तुम मेरे साथ फेरिस व्हील पर चलोगे। वो कहता है, जरूर। इसके बाद दोनों फेरिस व्हील की राइड लेते हैं। ग्वानपी को उसमें डर लगता है तो हेलेन उसे हक कर लेता है और उसकी आईज के आगे अपना हाथ रख लेता है जिससे वो देखे ना। वापस घर जाते टाइम ग्वानपी हेलेन से एक और हेल्प मांगती है कि वो उसके लिए जियालिन का लेटर पढ़े जो उसने उसे बचपन में दिया था। हेलेन उसके लिए वो रीड करता है। ग्वानपी हेलेन से थैंक्स कहती है आज का दिन उसके साथ बिताने के लिए, और फिर वो लेटर फाड़ देती है और अकेली घर चली जाती है। इसी के साथ पार्ट 6 एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें।